आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व जिसने विवाह के वैदिक मंत्रों को रचा, उसका नाम था सूर्या सावित्री। पिता सविता सूर्या का विवाह सोम से करना चाहते थे, लेकिन वह पूषा से प्रेम करती थी। उसने मुक्त मन से अपनी इच्छा पिता के सामने रखी कि वह पूषा के साथ जाएगी, पूषा ही उसके हाथ पकड़कर ले जाएगा। उसी ने मंत्र रचा, ग्रिमणामे से सौ भगत्वाय हस्तम। यह मंत्र आज तक विवाह की वेदी पर पढ़ा जाता है। खैर, अब मुद्दे की बात। आलिया भट्ट के उस विज्ञापन के बाद दो तरह के विचार सामने आ रहे हैं। एक विचार आलिया भट्ट को हिंदू मान्यताओं की बैरिन घोषित कर रहा, दूसरे विचार में कालिदास से लेकर आज तक के साहित्यकारों को गाली दी जा रही कि यह परायाधन का कॉन्सेप्ट फालतू है, साहित्य यानी कूड़ा, बेटियां परायाधन नहीं होती। बेटियों को विदा किया जाता है आज से नहीं, हजारों हजार वर्षों से उन्हें विवाह के बाद एक नए संसार में प्रवेश करना होता रहा है। बेटियों के संबंध में इस विलगाव को मिटाना संभव नहीं हो सका, इसीलिए बेटियों से प्रेम में एक आह है। वे विदा होकर एक भिन्न गेह धाम को संवारती हैं, इस अर्थ में उनकी भूमिका बड़ी है। और यह उन्हें कोई देवी भगवती मान करके नहीं कहा जा रहा, यह एक सांसारिक परिपाटी है, संपूर्ण मानव सभ्यता में व्याप्त है, भारत की ही बात क्यों करें। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले बेटियों को विदा करने के पश्चात लोग उनसे असंपृक्त हो जाते थे। उनके नए सांसारिक जीवन की सृष्टा वह स्वयं थी, वह चाहे तो उसे सुरम्य मनोहर बना डाले, चाहे तो धरती पर ही नरक दिखा दे। लोग इसी भाव से बेटियों के सांसारिक जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करते थे कि वह स्वयं देखेगी, जैसे कि उनके स्वयं के घर में किसी और की पुत्री बहू बनकर देख रही। बेटियां मायके आती रहीं, महत्वपूर्ण अवसरों पर उन्हें आना ही पड़ता था, फिर वे लौटकर जाती रहीं। उनके गमन पर हर बार विछोह घेरता रहा, यह एक व्यवस्था के तहत चलता रहा। इसी व्यवस्था में बेटियां तार गईं, स्वयं तर गईं और कई बार घोर कष्ट भी पाती देती रहीं। लेकिन इस सत्य से कोई मना नहीं कर सकता कि विवाहोपरांत बेटियों के निजी जीवन में उनके नैहर का कम से कम दखल सुखी दाम्पत्य का सूत्र रहा। किसी को अनावश्यक कष्ट दिए जाने पर दखल या हस्तक्षेप तो धर्म और कर्तव्य दोनों है, वह और बात है। इन दिनों बेटियों की बेटों से बराबरी या फिर उन्हें श्रेष्ठतर सिद्ध करने के प्रयासों में, जिसमें कि उसकी समान मानवीय एंटिटी से कहीं अधिक एक विचित्र सा बराबरी का असर्शन या दुराग्रह है, वह विध्वंसकारी सिद्ध हो रहा। ससुराल में जरूरत से ज्यादा घुसपैठ, दखल और बेटियों को निरंतर सलाह मशवरे देने वाले माता पिता और भाई बंधु अनावश्यक ही पारिवारिक सूत्र को विच्छिन्न करने में सहायक सिद्ध हो रहे, आए दिन उदाहरण देखते रहते हैं। इस युग में अब बेटियां उस तरह से विदा नहीं होती जिस तरह से आज से 150 वर्ष पहले होती थीं। आए दिन भेंट मुलाकात होती रहती है, फोन पर हर दिन बातचीत, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, चैट और न जाने क्या क्या। तो फिर उनकी विदाई उतनी विलगाव भरी नहीं होती, बल्कि वह सांकेतिक रूप से विदा होने लगी हैं। पूर्व से अगर हम तुलना करें तो यही पाते हैं। साहित्य में बेटियों के विदा होने पर जो भावप्रवण गीत, कविता, कथाएं लिखी गईं, उनको गाली देने का कोई तुक नहीं। साहित्य तो भावपक्ष और संवेदना की भूमि पर ही टिका हुआ है, आप वही छीन लीजिए तो रहेगा क्या। फिर तो उत्तर रामचरित की सीता भी कहां कुछ कह पाएंगे। शास्त्र खोलकर साहित्यकारों को गरिया दीजिए, साहित्य को कुछ गाइड करना या लाठी लेकर लिखवाना मनुष्य मन को अनुभूति, कला और भाव संवेदन पक्ष से उखाड़ फेंकना है, ऐसी जड़ता तो विध्वंसकारी ही होगी। सिनेमा और विज्ञापन वाले जिस आधुनिकता के अंधड़ में बह रहे और पूरे समाज को बहा ले जाना चाहते हैं, उन्हें इस सूक्ष्म बंधन और बेटियों के विलग होने की प्रेमिल प्रक्रिया क्या समझ में आ सकेगी। उनके तो हित ही भिन्न हैं, वह इस अति महत्वपूर्ण संबंध के ताप को क्या अनुभव करेगा। वह कैसे समझेगा कि कन्यादान बेटियों को घर से पराया समझकर बहिष्कृत करना नहीं, अपितु इस संसार को भिन्न भाव संबंध और गेह के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। वहां विदाई में एक अविच्छिन्न जुड़ाव है, उस अदृश्य किंतु अति महत्वपूर्ण सूत्र को वह कहां देख सकता है। जो हर वस्तु, मनुष्य, जीव जगत को मूर्खतापूर्ण ढंग से अधिकार की बराबरी पर प्रतिष्ठित करने को उद्धत हो, उसकी नियत और बुद्धि विवेक पर प्रश्न उठाना जरूरी है। जैसे कि कम्युनिस्ट, जिसके मूल में विशुद्ध बेईमानी और हिंसक प्रवृत्ति है,
यही वो लोग हैं जो पूछते हैं कि अगर यशोधरा वन चली जाती तो क्या होता। इन्हें भारतीय जीवनधारा और हिंदू मन का कुछ पता नहीं। यहाँ परंपरा और आधुनिकता तो विषय ही नहीं है।